दिल्ली में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक, तीन राज्यों में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री का किया गया सम्मान, पीएम ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सरस व शिल्प मेले का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया उद्घाटन, कहा गीता से सभी समस्याओं का पा सकते हैं समाधान। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नई पहल, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय में बनेगी फ्लाइंग स्क्वाड। और प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी, लाभार्थियों ने केंद्र व राज्य सरकार का जताया आभार। नूह में पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने यात्रा का किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा, अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़, राजस्थान व मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पार्टी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के दृष्टिकोण से देश की सर्वाधिक पसंदीदा पार्टी है। भाजपा ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी अपनी शक्ति बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि देश में केवल चार जातियां हैं, महिला, युवा, निर्धन और किसान, जिनके प्रति पूरा न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हाल की विजय सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने सभी भाजपा सांसदों और मंत्रियों से 12 दिसंबर से 25 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी करने को कहा है। गुना बढ़ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इंप्रूव्ड अलोंग विद छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश वेयर वी हैव वन विद अ कंफर्टेबल मार्जिन, बट वेयर एट द सेम टाइम भारतीय जनता पार्टी हैज इंप्रूव्ड इट्स स्ट्रेंथ इन मिजोरम एंड तेलंगाना ऑल्सो इन मेनी फोल्ड्स। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल डायरेक्शन शुरुआत से ही बहुत बढ़िया है और शुरुआत से ही लोग भारतीय जनता पार्टी का पसंद किया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है और इस जीत का भी माननीय प्रधानमंत्री जी सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने उसका श्रेय का जो योगदान है उसमें कार्यकर्ता को ही मैं इसका श्रेय देता हूं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सांसदों की ओर से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग के एक भाग से संबंधित भारत के लिए कुछ इनपुट दिए गए थे जो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये संगठित अपराध, अवैध आवागमन और अन्य मामलों के गठजोड़ से जुड़े हैं। Inputs were given to us as part of our security cooperation with the United States. Those inputs were of concern to us because they related to the nexus of organized crime, trafficking, and other matters. So, because it has a bearing on our own national security, it was decided to institute an inquiry into the matter, and an inquiry committee has been constituted. In so far as Canada is concerned, no specific evidence or inputs were provided to us. So the question of equitable treatment to two countries who have, one of whom has provided inputs and one of whom has not, does not arise. वहीं केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी कि भारत का नागर विमानन क्षेत्र 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2030 तक हवाई यात्रियों की संख्या मौजूदा 14.5 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अब तक 76 हवाई अड्डों को क्षेत्रीय संपर्क स्कीम उड़ान के अंतर्गत कवर किया गया है और 1 करोड़ 30 लाख हवाई यात्री ने
इस योजना से लाभ लिया है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सरस मेले का आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उद्घाटन किया। सरस मेले में लगभग 600 स्टॉलें लगाई गई हैं। गीता जयंती महोत्सव का आयोजन 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक किया जा रहा है। 17 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसी दिन वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ भी करेंगे। ये संगोष्ठी 19 दिसंबर तक चलेगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गीता एक मजहब का ग्रंथ नहीं अपितु सर्वमान्य ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि इस धर्म क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हजारों वर्ष बाद आज भी इस संप्रदेश की प्रासंगिकता है। गीता में सभी समस्याओं का समाधान है और गीता से ज्ञान लेकर हम सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जो भी मानवता का संदेश देने वाला, इसमें सारे मजहब व्यक्ति को, मानवता को ऐसे अपने जीवन चलाना चाहिए, अपने जीवन में जो भी श्रेष्ठता को निर्माण करने के लिए, मन को दृढ़ता करने के लिए, आत्मविश्वास को जगाने के लिए और धैर्य हिम्मत को जगाने के लिए, और जितने भी हमारे अनाचार और अत्याचार और भ्रष्टाचार, ऐसे जितने भी जो हमारे समाज के कुरूतियाँ हैं, उसको सबको दूर करने के लिए बहुत बड़ा औषध भगवद्गीता। वहीं कलाकारों व दुकानदारों ने सरस मेले के शुभारंभ पर खुशी जताई। तो हम यहाँ पे अपनी संस्कृति दिखाने आए हैं, कुमाऊनी कल्चर झोड़ा छपेली, और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं अपनी कलाकारी को दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें उनको देखने का मौका बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास हैंडीकैप का सामान है जो टेराकोटा का है, बम्बू का है। तो इधर का लोग से हम लगातार 20 साल से इधर आ रहे हैं, तो यहीं पर हमारा जो चीज़ है नया कुछ लेकर आया है इस बार, तो यहीं पर लोग बहुत पसंद भी करता है। तो आज पहला दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में नगर निगमों, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कचरा ले जाने वाले वाहनों की निकासी तथा एंट्री पॉइंट पर तौल मशीन लगाई जाएं और वास्तविक भार के अनुसार ही ठेकेदार को भुगतान किया जाए। सीएम ने कहा कि कचरे से जो भी बायो उत्पाद निकलता है उसकी भी मार्केटिंग की जाए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला जैसे शहरों में कूड़ा निस्तारण प्रोजेक्ट की ड्रोन तकनीक से भी निगरानी की जाए ताकि डंपिंग पॉइंट तक कचरे की कितनी मात्रा पहुंच रही है उसका पता लगता रहे। मुख्यमंत्री ने कचरे के साथ साथ सीवरेज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए पुरानी सीवरेज प्रणाली की जगह नई सीवरेज लाइनें डालने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए ठोस कचरा तौल में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय में भी फ्लाइंग स्क्वाड गठित करने का निर्णय लिया है। इस स्क्वाड में पुलिस के डीएसपी, इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी व अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। जिस प्रकार सीएम फ्लाइंग स्क्वाड भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने या विभागों में गड़बड़ी होने के अंदेशों के चलते स्वतः संज्ञान लेते हुए छापेमारी करती है, उसी प्रकार शहरी स्थानीय निकाय फ्लाइंग स्क्वाड भी ठोस कचरा संयंत्रों और डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण वाहनों के निकासी व प्रवेश पॉइंट पर दबिश देगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नूह के गांधी ग्राम घासेड़ा में गुरुवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकसित राष्ट्र की शपथ दिलाई और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। देवेंद्र सिंह बबली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मंत्री ने कहा कि पहले लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज उन्हें घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से देश के विकास में योगदान करने की भी अपील की। आज हर जिले के
पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव तक ये यात्रा पहुंचेगी। करीब 58 वैन सरकार ने तैयार करके जनता के बीच में अधिकारियों को बिठाने का काम किया है, ताकि सरकार गांव में पहुंचे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो योजनाएं परियोजनाएं हैं, उनको लोगों को जागरूक भी किया जा सके और जहां दिन में कोई खामियां कमियां उनको पूरा करके वो लाभ आखिरी छोर बैठे पात्र परिवार है उनको मिल सके, जिसका हक है उसको मिले। आज आप देखेंगे कि एक टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। पहले बिचौली होते थे, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब जो पात्र परिवार हैं, जो एलिजिबल परिवार हैं, ऑनलाइन सिस्टम से, चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, आए इनकम कम है उसको बीपीएल कार्ड की बात है, बुढ़ापा पेंशन की बात है, चिरायु आयुष्मान कार्ड बनाने की बात है, 5 लाख तक का उसको इलाज फ्री मिलता है, वो घर बैठे उस पात्र को मिले, सिर्फ ऑनलाइन आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। इसके बाद उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति बैठक में कुल 15 परिवादों उसमें से 6 का मौके पर ही निपटान किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे बिना देरी के लोगों की समस्याओं का हल करें। उसको अभी फॉलो करा रहे हैं, एक बार उसकी पूरी रिपोर्ट भी सब लिस्ट पे करेंगे और जहां भी बिल्कुल फेयर सिस्टम से जो उनका हक है, जिसका हक है उसको मिले, हमारी सरकार की सोच है। उनका शॉर्ट आउट करवा दिया गया है, उनको आने वाले समय में जल्दी वो पेमेंट उसकी जमा करवा के और वो 72 है उनको पेंशन मिलेगी। जमीन का परिवार का बंटवारे का मामला था और उसमें तकसीम होनी थी, उसमें कहीं ना कहीं ये पिछली पेंडिंग एजेंडा था, तो तहसीलदार हमारे जो रेवेन्यू अधिकारी हैं उस पर इन्होंने कहा गया था कि प्रॉपर ढंग से वो जो डिवाइडेशन है वो नहीं की गई, वो जांच दी थी लेकिन उसमें भी थोड़ा इश्यू है, उसको जो उसको कमीशन को भेजनी पड़ेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिरसा जिले के अलग अलग गांवों में जाकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। इसमें विभिन्न विभाग के अधिकारी कैंप लगाकर आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ मौके पर ही दे रहे हैं। यात्रा में पहुंचे लाभार्थियों ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारियाँ भी मिल रही हैं और जो उनके ज़रूरी दस्तावेज़ों में त्रुटियाँ हैं तो उन्हें मौके पर ही ठीक किया जा रहा है। अब उन्हें शहर में जाकर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और समय व पैसे की भी बचत हो रही है। उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन होने चाहिए। गरीब आदमी मजदूरी करने आए हैं, आपके इलाज कराने वास्ते यहाँ पे आए हैं, फायदा तो दवाई लेंगे तो देखो कितना फायदा होता है। गरीब आदमी को ऐसे है भी यहाँ पे दवाई लेके जा रही है, मजदूर बनते हैं, वहाँ किराया भी लगता है, किराया नहीं आपके पास है, टाइम भी नहीं है, दुकान में भी दिक्कत रहती है, इसलिए चेकअप कराने के लिए आए हैं। अंदर बहुत फायदे हैं, डॉक्यूमेंट के लिए भी आए हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और कोई बीमारी के लिए चेकअप नहीं कर रहे हैं। सिरसा में हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ गाँव में प्रोवाइड कर रहे हैं सब चीज। आंगनबाड़ी सेंटर में जो हेल्थ के बारे में बताया जाता है और जो छोटी बच्चियां होती हैं जिनके बेटियां हैं उनके बेनिफिट के लिए, जो कि हमें पहले तो कोई भी फायदा लेने के लिए सिरसा जाना पड़ता था इतनी दूर किराया भाड़ा लगा के या अपनी झाड़ी खोटी करके, तो अब इस बार जो इन्होंने आंगनबाड़ी वर्करों ने जो ये प्रोग्राम हमारे रंगड़ी खेड़ा गाँव में लगवाया है, तो उस चीज के लिए हम बहुत ही खुश है, क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो कि ये मैडम बता देती है, हम अपना काम यहीं पर ही करवा। वहीं भाजपा नेता अमन चोपड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से अब ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ उनके गांव में ही मिल रहा है, जिससे ग्रामीण काफी खुश हैं। लाभार्थी पात्रों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वो अप्लाई कर सकता है, जिसका बन गया है उसको यहाँ पर हाथों हाथ मिल रहा है। कल गाँव बेगू के अंदर, बाजेगा के अंदर भी बहुत से लोगों को, पेंशन धारकों को हाथों हाथ पेंशन बना के दी गई, उज्ज्वला योजना के तहत हाथों हाथ कनेक्शन बांटे गए और आयुष्मान कार्ड बांटे गए, और जिन लाभार्थियों ने लाभ लिया उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से आकर बताया कि हमें इतना इतना लाभ मिला। कि किसी प्रकार की भी किसी को कोई समस्या है उससे संबंधित विभाग यहाँ है, लाभार्थियों के पात्रों के विभाग यहाँ है, जिसको जो चाहिए एक ही छत के नीचे आप एक तरह मानिए। सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने आज रोहतक में एक प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में निकाली जा रही है। ये यात्रा प्रत्येक गाँव व शहर के वार्डों को कवर करेगी।
यात्रा के दौरान नागरिकों को केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा मौके पर संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर वंचित लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। 10 स्टॉल अलग अलग विभाग के, जैसे जिस गांव में यात्रा पहुंचती है वहां पे केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की क्या योजनाएं हैं, वो डिस्प्ले वैन के जरिए डिस्प्ले होती हैं, और साथ ही 10 स्टॉल वहां पे लगाए जाते हैं अलग अलग विभाग के। उन विभाग के कर्मचारी वहां पे उपस्थित होते हैं, विभाग की जो कोई योजना हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए है, अगर किसी व्यक्ति की कोई समस्या उस योजना से संबंधित है या किसी को उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तुरंत उसका समाधान वहीं पे हो जाए, ये विकसित भारत यात्रा के जरिए हरियाणा के अंदर प्रयास हो रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बुढ़ापा पेंशन का लाभ, उसकी आयु 60 साल हो गई है, किसी कारण से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ भी पर्सनलिटीज, वो कहता है कि साहब मुझे अभी तक ये नहीं मिला, तो वहाँ पे सामाजिक सुरक्षा की जितनी योजनाएं हैं उससे संबंधित एक स्टॉल लगा है, वो वहां जाएगा, तुरंत साथ के साथ उसका समाधान वहां पे हो जाएगा। इसके अलावा प्रवीण अत्रे ने प्रदेश सरकार के 9 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। घर के द्वार पर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पार्टी की सरकार बनी, मनोहर लाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री काम करना शुरू किया। सबसे पहला काम, जो व्यवस्था हरियाणा में पहले से चली आ रही थी, जिस व्यवस्था के लिए हरियाणा चर्चित था, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, उस व्यवस्था को खत्म करना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस व्यवस्था पे चोट की, उस व्यवस्था को खत्म किया। गरीब और वंचित को उसका हक देना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी पारदर्शी कार्यशैली से, अलग अलग योजनाओं से गरीब और वंचित को उसका हक दिया। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। यह दिन सशस्त्र बलों में शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस का उद्देश्य सैनिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए निस्वार्थ योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में दिल खोलकर योगदान करने की अपील करते हुए कहा कि वे वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों में शामिल हों। रक्षा मंत्री ने कहा कि बहादुर सैनिकों ने मातृभूमि की सेवा में बलिदान दिए हैं। इस दौरान कई सैनिक देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए बहुत सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं। उन्होंने सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में राशि देने के लिए अपना अपना योगदान सुनिश्चित करने को कहा और अन्य लोगों को इस नेक कार्य में शामिल होने की प्रेरणा दी। फ्लैग डे या सशस्त्र सैनिक झंडा दिवस मनाते हैं। इस दिन हम अपने बहादुर सैनिकों एवं शहीदों जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनको बड़े गर्व से याद करते हैं। इस दिन हम ये फ्लैग बड़े स्वाभिमान के साथ पहनते हैं और भूतपूर्व सैनिकों की सहायता में अपना पुनीत योगदान भी करते हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं को उनके अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र प्रेम के लिए पहचाना जाता है। हमारी सीमाओं की रक्षा के अलावा वे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं दुनिया भर में शांति स्थापना मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जल, थल और नभ के शूरवीरों को नमन करते हुए कहा कि सैनिक विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में अपने अजय पराक्रम से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति सदैव तत्पर रहता है। हम सभी देश पर प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं के प्रति कृतज्ञ हैं। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर राज्य सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान दिया। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि वे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से योगदान दें, ताकि इस योगदान से जो सैनिक देश सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं या शारीरिक रूप से अशक्त हो जाते हैं, उन बहादुर सैनिकों के आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण में सहयोग हो सके।
भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। नायब सैनी ने प्रधानमंत्री को हाल ही में संपन्न हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत की बधाई दी। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के साथ नायब सैनी की प्रदेश के राजनीतिक हालातों और संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नायब सैनी की प्रधानमंत्री से यह पहली औपचारिक मुलाकात थी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल जींद जिले के उचाना के रामराय गांव में 2 एकड़ में बनने वाले नौगामा खाप चबूतरा की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से 11 लाख देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के बरसाती पानी की निकासी के लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपए खर्च कर घग्गर नदी तक बरसाती पानी को पहुंचाने का काम किया है। उपमुख्यमंत्री ने गांव में स्विमिंग पूल की मांग पर कहा कि इसका प्रपोजल बनवाकर मुख्यालय भिजवाएं ताकि इसको जल्द अमली जामा पहनाया जा सके। आप जिला परिषद को जमीन डीमार्केट कर दो, 50 मीटर की बजाय जिला परिषद से 25 मीटर का स्विमिंग पूल छोरियों छोरियों के लिए बना लो कि आने वाले समय में आपके यहाँ पर व्यवस्था बन जाए। सरकार से 50 मीटर वाला आएगा, ये बता रहे वाटर पोलो में भी इस्तेमाल होगा, पर प्रशिक्षण के लिए सबसे जरूरी पहले स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, और वो व्यवस्था ऐसी बनवाओ जिसमें सर्दियों में भी हीटेड पूल रहे। परले गांव थे जहां एक दिन भी बारिश हो जाती थी तो 2 फसल किसान की मारी जाती। सरकार ने 160 करोड़ खर्च कर अंडरग्राउंड पाइपलाइन के साथ घग्गर ड्रेन तक पानी पहुंचाया जाए, इसकी कनेक्टिविटी बनाए, और आज किसान वाजीरी जैसी फसल ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसानों को धान बेचने के बाद भुगतान के लिए मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि 2 दिन बाद अदायगी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। इसी तर्ज पर आगामी गेहूं की फसल का पैसा भी किसानों को 24 घंटे में देने पर कार्य कर रहे हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। 2 दिन फसल बेचते ही पैसा मोबाइल के ऊपर मैसेज के थ्रू खाते में आ जाता है, और इस व्यवस्था को और बेहतर करेंगे। हम लगे थे 1 हफ्ते से, फिर करी 72 घंटे, फिर करी 48 घंटे, और मैं कोशिश करूंगा गेहूं की व्यवस्था ऐसी बना दूं कि 24 घंटे से पहले पहले आपके खाते के अंदर ये पैसा आपको जाएगा काम करे। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को सिरसा के डबवाली में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के साथ ही रहे स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल की प्रतिमा लगाई जाएगी। केंद्र व प्रदेश सरकार का प्रयास अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन द्वारा आज नारनौल के ITI मैदान में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेला लगाया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से 23 कंपनियों ने अपनी भागीदारी दिखाई और पंजीकृत उम्मीदवारों का चयन किया। अतिरिक्त जिला उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि इस मेले के लिए 500 से अधिक बच्चों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें से 140 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में भी ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। कंपनियों ने रजिस्टर करा था और आज मौके पर 23 कंपनियां यहां हाजिर थी, और कंपनियां विभिन्न विभिन्न एरिया की हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हों, आपका मैकेनिकल कामों की हों, या फिर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हों। और हमारे ITI के बच्चों को हमने विशेष तौर पर आज बुलाया था, और एक जनरल पब्लिक को भी मैसेज था कि कोई भी आना चाहे इस रोजगार मेले में आ सकता है। तो आज तकरीबन 500 बच्चों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और विभिन्न विभिन्न काउंटरों पे भी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से 170 बच्चे तो ऑलरेडी उनका इंटरव्यू यहीं पे लिया जा चुका है। 170 बच्चों में से 140 बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और अभी कुछ ऐसे बच्चे भी आए थे जिन्होंने ट्रेनिंग 1 साल पहले ली थी, और वो 1 साल से बच्चियाँ हैं जो गुड़गांव में काम कर रही हैं, जिसको देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा। और हमारी जो कंपनीज हैं यहाँ पे वो बहुत सपोर्टिव हैं। वहीं इस रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार मिलने पर चयनित उम्मीदवारों ने खुशी जताते हुए सरकार का धन्यवाद किया। और सब बच्चों को इसमें आना चाहिए, इसमें नई नई कंपनियां आती हैं और अपने बच्चों का सिलेक्शन इसमें होता है। कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरा सिलेक्शन आज हुआ। एक ही छत के नीचे बहुत सी कंपनियां हुई हैं, और यहाँ मेरा भी सिलेक्शन हुआ है
डाटा एंट्री ऑपरेटर कंपनी में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, जो यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर विभिन्न बच्चों को बहुत सारी जॉब दी जाती हैं, जो बच्चे इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी जॉब नहीं लग पाते वो यहाँ आकर अपना रोजगार देखते हैं। यहाँ पर अच्छी सैलरी है, अच्छी फैसिलिटी है। मैंने भी एक कंपनी को ज्वाइन किया है, अच्छी सैलरी, वहाँ पर रहना खाना अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है। एप्पल अपने वैश्विक लिथियम आयरन बैटरी सेल आपूर्तिकर्ता TBK कॉरपोरेशन के साथ मिलकर हरियाणा में नया संयंत्र लगाकर तमाम बैटरी सेल का निर्माण करेगा। एप्पल के इस कदम से देश के 8,000 से 10,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सेल की आपूर्ति एप्पल के आयरन बैटरी असेंबलर सन वोडा इलेक्ट्रॉनिक को दी जाएगी, जो पहले से ही देश में काम कर रही है और वर्तमान में दुनिया के विभिन्न बाजारों में सेल का आयात करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित वैश्विक आर्थिक नीति फोरम 2023 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीमा समायोजन कर लगाना नैतिक रूप से गलत और विकासशील देशों के हितों के खिलाफ है। सीमा समायोजन कर लगाने का एक तरफा फैसला ग्लोबल साउथ के खिलाफ होगा। वित्त मंत्री अभी हाल में यूरोप संघ के कुछ सेक्टरों से आयात पर कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन विश्व के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महत्व को रेखांकित करते हुए सीतारमण ने कहा कि वैश्विक ग्रिड प्रणाली स्थापित होने के बाद 24 घंटों बिजली मिलेगी, जिससे जीवन सुगम होगा। यह गठबंधन विश्व को सभी देशों की ग्रिड प्रणालियों से जोड़ सकता है और दुनिया के प्रत्येक भाग तक पहुँच सकता है। In the meanwhile, the rapidity with which we want to make ourselves green is another challenge running parallel, but both going in different speeds. Transitional energy and the cost of transitional energy is something which all of us are thinking about. The base energy requirement cannot be filled by renewable energy sources, is well known, but it is possible to think in terms of rapidly spreading the renewable energy in such a way that individual participation is ensured. India's, if I may use the word, India's success in rapidly moving in the renewable energy space, particularly through the solar, is because both the large park establishments and also the rooftop and the farm hedge-based solar panels are happening simultaneously. केंद्र सरकार ने कहा है कि माल क्षेत्र ने पहली बार सेवा क्षेत्र के निर्यात पर बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया की पहल के कारण ये संभव हो सका है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में निर्यात बढ़कर $762 अरब हो गया है। माल क्षेत्र निर्यात $453 अरब हो गया, जबकि सेवा क्षेत्र का निर्यात $309 अरब रहा। भारत का निर्यात शीघ्र $1 ट्रिलियन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया योजना के कारण भारत मोबाइल फोन के निर्यात में चौथे स्थान पर पहुंचा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने $11 अरब से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन का निर्यात किया था। भारत मोबाइल फोन के निर्यात में शीघ्र शीर्ष दो स्थानों पर पहुँच जाएगा। डाइवर्स हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और मैन्युफैक्चरिंग के कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, उसमें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट जो चीज़ें कभी हम सोचते नहीं थे भारत में मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट होएगी, वो चीज़ें आज अब एक तरीके से उसमें हम एक्सपोर्ट का पावर हाउस बन रहे हैं एक एक करके। जैसे मोबाइल फ़ोन टॉप फोर में आ गया, टेलीकॉम इक्विपमेंट टॉप फोर में आ गया। 22-23 का डेटा देखें, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऐसी चीज़ थी जिसमें हमेशा देश दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वाला था, उसमें भी आज 11,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट है, 11,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, मतलब एल्यूमिनियम बनाओ देश में और उसमें वैल्यू एडिशन करके उसका एक्सपोर्ट करो, ये मेक इन इंडिया के थ्रस्ट एरियाज में से था। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।